वो जब टोकन कंप्लीट हो जाते थे तो एप्लीकेंट को वापस जाना पड़ता था और अगले दिन फिर वो आ जाते थे। तो टेक्नोलॉजी का हमने भरपूर फायदा उठाया है, इसको सिंप्लीफाई भी किया और प्रोसेस भी अब जल्दी होता है। तो ये जो एप्लीकेंट का आप बात कर रहे हैं, तो कोई अगर इनका एप्लीकेशन आईडी वगैरह, कोई इनका रेफरेंस नंबर हमारे पास होता तो हम इस केस को देख सकते थे कि क्यों जो है इनकी ये जो कंप्लेंट आई है कि 23 दिसंबर से अभी तक इनका जो है इनको डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिले। तो ये तो अब रेफरेंस नंबर होता तो फिर हम इसको एग्जामिन करके तो उनको बता सकते हैं। और हम उनको से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी भी उनका कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो ऑनलाइन हेल्प पे या कॉल सेंटर पे बिल्कुल क्यूरी अपना कंप्लेंट। मीडिया क्वेरीज भी कंसर्न कवर कर ली हैं, और जो जनरल क्वेरीज स्टूडेंट्स की तरफ से हमें मिली वो भी कवर कर ली। आप लोग इस सिस्टम के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें तो द फ्लोर इज ओपन। तकरीबन जितने ये रिवैम्प्ड वर्जन या ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था अटेस्टेशन का, उसके बारे में तो बहुत सारी बातें हुई। आखिर में ना जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे चंद एक चीज़ें उसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे, और वो ये है कि जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि HEC की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, पूरा प्रोसीजर भी है, उसमें स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि किस तरह आपने आगे बढ़ना है। What I'd like to say is that in essence what we want to do is that we want to create awareness in our youth, and as you know that Pakistan has one of the highest youth bulges, and with youth bulge home where speakers can come and talk to them, experts can come and talk to them, how not to just collecting your waste. While we will be over the duration of this program, we'll be talking about recycling. So this is what the green youth club would be doing.